तो हेलो मेरे भाइयों, क्या हाल चाल। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। आज है हमारे रैंक कोचिंग का 7वां दिन और मैं अभी अभी यहाँ पे डायमंड 1 पे अटका हुआ हूँ। खैर कोई बात नहीं, आज से 3 दिन में मैं इजिली कॉन्कर लगा दूंगा, ठीक है। अब देखो भाई, मेरा स्लो कॉन्कर पुश करने का 2 रीजन है। पहला तो भाई, मेरे पास यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं बन पा रहा है। दूसरा भाई, यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि भाई डेली के आप मुश्किल से 150 से 200+ करोगे तो भी इजिली कॉन्कर हो जाएगा। कुछ ज़्यादा लोड लेके नहीं चलोगे, आराम से भाई एकदम से फ्री होकर खेलोगे तो भी कॉन्कर हो जाएगा, जैसे मेरा हो जाएगा, ठीक है। तो 2 रीजन है, इससे भाई आप लोग मोटिवेशन भी ले सकते हो कि भाई मेरा तो कॉन्कर हो जाएगा, आपका भी इजिली हो ही जाएगा। यार कुछ बंदे सोच रहे होंगे, अभी के टाइम पे अगर प्लैटिनम से स्टार्ट करो रैंक पुश करना तो मेरा कॉन्कर होगा कि नहीं। भाई जो बंदे गोल्ड से स्टार्ट करेंगे ना, उनका भी कॉन्कर हो जाएगा। बट ये वीडियो थोड़ा सा देखो आगे, अभी इवेंट खाली करना है तो फिर दिखाता हूँ, ठीक है। मतलब इवेंट पे मर जाने दो, यहाँ से निपट जाने दो, फिर बताता हूँ कि भाई यहाँ पे आपको डेली कितना प्लस करना पड़ेगा ताकि आपका इजिली कॉन्कर हो जाए। देखो भैया, लूट और गन सबसे इंपॉर्टेंट है ना। फिर उसके बाद किल भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा सा मौका देखो और घुस जाओ और हुल दो, इसे मजा आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हमारे एक किल इजली हो गए थे। अब देखो, एक बंदा आगे वाला टावर पे चढ़ रखा था तो मैं सोचा यार ये पीक वगैरह नहीं कर रहा है, पुश करना पड़ेगा। अब देखो दिमाग क्या लगाता हूँ, यहाँ से नेट वगैरह जाएगा नहीं। मेरे पास है बबल गन, मतलब वही ब्लास्टर गन, जो भी हो मेरा नाम का गन। अब सोच ही सकते हो भाई कितना बड़ा आदमी आज क्या बोल रहा हूँ। खैर देखो, चलो हो गया ना, मजा आ गया, 2 किल हो गए। देखो भैया जी यहाँ पे चौड़िया रहे थे तो अब इनको भी ढूंढने की बारी है ना। चलो भैया जी, भैया जी जहां मार सको वहीं मारो, बिना मतलब का इसे ऊंचा खाली नहीं करने का, है ना। तो यहां पे हमारे तो इनके लिए इजिली हो जाते हैं। अब मैं सोचा यार चल के कहीं ना कहीं रिकॉल उठाना चाहिए, नहीं तो भाई यहाँ पे मोह में हो जाता है। यहाँ पे अपना एक ही मकसद रहना चाहिए, भाई अपने को रिकॉल उठाना है ना। अब देखो ऊपर से मैं तो नीचे आ गया, बट भाई नीचे कोई बंदा था तो समझ नहीं कर पा रहा था, ठीक है। लेकिन ये ऊपर ये बंदा चला जाता है जिसने मेरे को भाई अच्छा से स्प्रे करके मार दिया, ठीक है। तो अच्छा मारा, खैर यहाँ पे भाई 3 किल पे निपट गए बट रिकॉल नहीं इकट्ठा हुआ। बट उसके लिए जुगाड़ क्या करता हूँ वो देखो इधर पे। पहले तो हाँ बात कर लेते हैं भाई, गोल्ड पे हो तो कॉन्कर पॉसिबल है या नहीं और कितना प्लस करूँ। भाई जी गोल्ड पे हो तो 2 दिन में आप यहाँ पे प्लेटिनम कर लो, और प्लेटिनम से 2 दिन में आप डायमंड कर लो, डायमंड से 2 दिन में आप क्राउन कर लो, क्राउन से 2 दिन में आप एस कर लो, एस के बाद भाई जितने पॉइंट करें 1-2 दिन में कर लोगे तो आपको इजीली कॉन्कर हो जाएगा। अभी यार कम से कम 8 से 9 दिन 10 दिन तो मैचिंग होगी होगी, तो 8 से 9 दिन में भाई आप गोल्ड से स्टार्ट करोगे, डेली के 300+ करो, इजीली आपका कॉन्कर मिल जाएगा। भाई ऐसा नहीं कि प्लस नहीं मिल रहा है, आप लोग टॉप 10 करो और भाई 4-5 किल तो वैसे निकल ही जाते हैं यार, ठीक है। 2-3 किल रहते हैं तो भी यार आराम से होल्ड किया करो, लास्ट के सर्कल में सिचुएशन बनेगा तो कोई ना कोई किल मिल ही जाएगा। और चलो मान लो अगर किसी मैच में किल नहीं भी हुआ तो भाई दूसरे मैच में कर लेना, ठीक है भाई। एक मैच में किल नहीं हुआ तो चलता है यार, मैं भी किसी किसी मैच में यहाँ पे 0 किल 1 किल पे फिनिश हो जाता हूँ, लेकिन मुझे उस बात का रिग्रेट नहीं होता, कभी कभी हैकर मार देता है। अब देखो बुरा तो लगता है, हैकर मार देता है, 0 किल पे 1 किल पे फिनिश हो जाता हूँ, लेकिन भाई अपने आप को खुद को मोटिवेट करने के लिए अंदर से ये सोच लेता हूँ। आप भी ये सोच लिया करो कि भाई चलो कोई ना यार, इस मैच में 1 किल है 0 किल है तो भाई अगले मैच में डबल मार देंगे, ज़्यादा मार देंगे। बाकी भाई जो लो एंड डिवाइस वाले बंदे हैं यार, वो फाइट को अवॉइड ही करो। आप लोग सिर्फ भाई टॉप 10 पे फोकस करो। अगर आप यहाँ पे टॉप 10 कर लेते हो 2 किल के साथ भी तो भी आपको 15 से 20+ तो इजीली मिल ही जाएगा, जो कि यार बहुत है। आप दिन का 10 गेम खेलते हो तो भाई 15 दहमा 150, तो 150+ इजीली आपका मिल जाएगा, ठीक है, अगर 6 घंटे पूरा खेलते हो। बाकी मैं पहले से बताया हूँ कि अगर आपको FPP में पुश करना है तो भाई आपको 6 घंटे खेलना ही पड़ेगा। तो भाई आई होप कि वो बातें आपको याद होगी। बाकी देख लो यहाँ पे आता हूँ, मछली उठाने का मेरा टारगेट रहता है, मछली अगर उठ गई तो भाई रिकॉल भी इजीली मेरा उठ ही जाएगा। बाकी यहाँ पे पानी वगैरह भर चुका था तो मैं सोचा यार मछली छोड़ो, पहले रिकॉल उठाया जाए। चलो भाई रिकॉल दिखता नहीं यार, चलो मिल गया रिकॉल इजीली। अब यहाँ पे एक मछली भी थी, मेरे लिए कोई बंदा भी नहीं था, तो आराम से रिकॉल उठा लेते हैं, देख लो कितना इजीली।
चलो मछली भी मिल गई तो भाई सर्वाइवल एकदम से इजी है। अब देखो पूरा जंगल घूमने के बाद ये दो बोट के अलावा ना मुझे कोई बंदा नहीं मिला। बंदा मिला था ठीक है, जब मेरा रिकॉल खत्म हो गया तब भाई सीन हो जाता है, जब तक रिकॉल होता है बंदे नहीं मिलते, जैसे रिकॉल खत्म होगा भाई बंदों की बाढ़ आप पे इतने गंदे तरीके से टूटती है ना, क्या बोलूं। खैर यहाँ पे डासी उठाता हूँ क्योंकि मेरा प्लान था कि मैं जाऊँगा जो दूसरा छोटा सा इवेंट है जो अभी तक ओपन नहीं है उधर पे जाऊँगा गटका वगैरह के साइड में, लेकिन अभी देखो सीन क्या करता हूँ क्योंकि भाई गटका काफ़ी दूर था तो ये वाला घर ओपन नहीं था, तो मैं सोचा यार यहाँ पे मेरा बाकी का लूट मिल जाएगा, बाकी वो मछली वगैरह स्टिंग वगैरह तो अपने पे है ही तो उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ से मेरी लूट कम्प्लीट हो जाती है। अब डेथ सर्कल बन चुका था जो कि था फुल शेल्टर के तरफ ठीक है, मैं सोचा भाई यहाँ तो पोजिशन निकालना काफ़ी ईजी होता है, अब देखो कैसे ईजी होता है। अब इधर पे गाड़ी वगैरह लगी है तो भाई रुकने का कोई मतलब है नहीं, आगे वाला गेट देखेंगे। भाई यार मैं इतना इजी बना देता हूँ गेम को ना सर्वाइव करने में, आप लोग खुद ही यार देख के सीखो मैं क्या बोलूँ। और हाँ इस बात के लिए लाइक और सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। देख लो यहाँ पे आके मेरे को अच्छा खासा पोजीशन मिल गया, बस आपको चारों तरफ सावधान रहना है, देखते रहना है कि कहीं से कोई बंदा आप पे पुश ना कर दे ठीक है। जो बंदे पुश करते हैं उन पे स्प्रे लो और उनको होल्ड करो यानी उनको रोक के रखो डिफेंड करो ताकि वो बंदे आप पे पुश ना करने पाए। मान लो सामने वाला बंदा पुश किया ठीक है, आपने उसको मार लिया, बट भाई यहाँ पे थर्ड पार्टियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा, जैसे आप उस बंदे को मारोगे ना यहाँ पे तुरंत से थर्ड पार्टी होती है, तो ये सीन रहते हैं। बाकी कोई बंदा ऐसे स्टिंग दे उड़ा रहा होता है ना तो भाई दो चार गोलियां कनेक्ट कर दो, और इसमें भाई डैमेज बहुत ज़्यादा पड़ता है तो बंदा दोबारा आपके पास नहीं आएगा, अगर थोड़ा सा चुलबाज कम होगा तो। बाकी भाई उसमें चुल होगी तो बोलेगे भाई वो सामने वाला बंदा बोलेगा ही ना, जैसे मैं बोलता हूँ कि ये सामने वाला बंदा मेरे पे स्प्रे कैसे लिया तो आ जाएगा, तो भाई उस बात का भी थोड़ा सा टेंशन है। खैर क्या बोलूँ, बट आपको भी दमदार होना पड़ेगा। देखो सर्कल यहाँ से काफ़ी दूरी पर जा चुका था, पहले तो क्लियर करता हूँ पीछे कोई बंदा है रहा तो नहीं गया है तो नहीं, तभी जब मैं आगे जाऊँ तो चांप दे मेरे को है ना। भाई थोड़ा सा बाहर निकलने देता यार मार ही लेता, खैर कोई ना बंदा भी यार काफी चालाक था जो कि आता नहीं। अब देखो स्टिंग दे का यूज और लास्ट के सर्कल की भसड़ है ठीक है, अब इसके बाद मैं वॉइस ओवर नहीं करने वाला हूँ, आप लोग बस गेम प्ले पूरा देखो खुद यार सीखने को कितना ज़्यादा मिलता है, बस देखा करो देख के ही सीखोगे है ना। बाकी वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब। अरे यार पहले वीडियो पूरा देख लो तब जाओ ठीक है, तब तक के लिए मेरा तो टाटा बाय हो गया चलो।